बात करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक दी गई जिस पे आज इमरान खान साहब ने साइन भी कर दिया है, उसमें ये बताया गया है कि जी हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम अगले 100 साल तक जो है वो भारत के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा, जंग, लड़ाई, फड्डा, 36 का आंकड़ा और जो जो होता है ना वो करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और इसपे बहुत से हमारे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं वो भी अपनी वीडियोस बना रहे हैं, टीवी शोज कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जी ये स्टेटमेंट या ये पॉलिसी के अंदर ये जो पॉइंट है ये इसलिए पाकिस्तान लेकर आया है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम गोला बारूद खरीद सकें या हम जंग अफोर्ड कर पाए। तो चलें कोई बात नहीं, आपको पता ही है ना, तो इस पे वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बातें जरा साइड में होकर कर लिया करें ना, हमें पता है। लेकिन बात सारी ये है कि चाहे रीजन कोई भी हो, चले मान लिया हमारे पास पैसे नहीं, वो तो शब्बर जैदी साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया है और हमारे पास इकोनॉमी हमारी कितनी स्ट्रांग है वो तो सभी जानते हैं। और अब अगर हमारी गवर्नमेंट को थोड़ी सी अकल आई है और वो ये सोच रहे हैं कि चलो हम अब सिर्फ इकोनॉमी पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उस पे झगड़े नहीं करेंगे और जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो अच्छी बात है ना, हमें काम करने दीजिए आप लोग। हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन पे काम हो, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल हो। और अगर अब हमारी गवर्नमेंट को अपने 4 साल गुजारने के बाद 5वें साल में जो कि आखिरी साल है इस गवर्नमेंट का, उसके बाद जाहिर है कि इलेक्शंस हैं, तो उससे पहले अगर अचानक से खान साहब को एक दिन ख्वाब आया कि मैं ऐसा क्यों ना करूं कि जी मैं एक पॉलिसी बनाता हूं और उसमें मैं लिख देता हूं कि जी हम भारत के साथ जो है वो किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं चाहते, किसी किस्म का झगड़ा नहीं चाहते और हम अगले 100 साल तक लड़ाई नहीं करेंगे, तो हम इकोनॉमी पे काम करेंगे, पॉपुलेशन पे काम करेंगे, तो करने दीजिए ना। वैसे मेरा ख्याल है वो जज्बाती होकर ना, उन्होंने इमोशनल होकर उन्होंने 1-0 ज्यादा लगा दिया। अगर अगर 5 या 10 साल भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये मौजूदा गवर्नमेंट या जो अगली आने वाली गवर्नमेंट है, अगर वो इस चीज के ऊपर काम कर ले और वाकई में इस तरह के लड़ाई झगड़े ना करे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर होगा। और उससे जो है वो ना सिर्फ ये कि हमें थोड़ा सा संभाला मिलेगा और हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाएंगे, बल्कि जिन लोगों के जा जाके हम खामा खाई के झगड़े करते हैं शायद वो लोग भी आराम से रह पाए। लेकिन ऐसा सब तो बिल्कुल पॉसिबल है अगर बात की जा रही है, तो कहते हैं ना कि जब बात की जाती है तो कुछ ना कुछ उम्मीद भी रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा बोलना भी चाहिए। लेकिन जैद हामिद साहब जैसे लोगों का क्या होगा, वो तो गजवाए हिंद के लिए आप देख रहे पूरी ड्रेसिंग करके खड़े हुए, तो अगले 100 साल नहीं तो अगर 50 साल या 30 साल भी अगर हम लोगों ने ऐसा कोई झगड़ा ना किया तो जैद हामिद साहब के क्या होगा। और आप तो उनकी बातें सुनते ही हैं तो हम फिर सुनवा देते हैं। मुमताज मुफ्ती ने किताब लिखी है लबैक, जो उनका हज का सफरनामा है। उस लबैक किताब में मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि जब 65 की लड़ाई हुई तो मदीना मनवरा के औलिया ने, मदीना मनवरा के खादिमीन ने जुहू के रोजे पाक में खिदमत करते थे, ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवाए बदर के शहदा के साथ, गजवाए बदर के मुजाहिदीन के साथ पाकिस्तान जा रहे हैं पाकिस्तान का दिफा करने के लिए। ताब मुफ्ती लिखते हैं कि गजवाए बदर के शहदा पाकिस्तान के मोहसिन हैं, इन्होंने पाकिस्तान पर एहसान किया कि 65 की लड़ाई में रूहानी तौर पर पहुंचकर इन्होंने दुश्मनों का उस तरह मुकाबला किया कि खुद इंडिया के गिरफ्तार कैदी इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान की फौज से तो हम लड़ सकते थे लेकिन वो फौज जो घोड़ों पर सवार थी, जिसकी तलवारों से रोशनियां निकल रही थी, उस फौज से हम मुकाबला नहीं कर सकते थे। जी बिल्कुल, ये जैद हामिद साहब का ये स्टेटमेंट भी मौजूद है और इसके ऊपर तो यही कहा जा सकता है जो अर्नब जी कैसे हैं, मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, तो बिल्कुल ये कुछ भी था। लेकिन जैद हामिद साहब का एक स्टेटमेंट और देखते हैं। दिस इज टाइम दैट वी मस्ट राइज टू द ओकेजन, इस पाकिस्तान की शानदार तकदीर लिखी हुई है, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने 1940 में तकदीर अपने हाथ से लिखी थी और 7 साल के बाद एक नामुमकिन को अचीव कर लिया। आज अगर हम अपनी तकदीर लिखने का फैसला कर लेते हैं ना, एक और हमें 1940 रेजोल्यूशन आज चाहिए, अब चाहिए, अब चाहिए, और लीडरशिप भी चाहिए, लीडरशिप भी चाहिए कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड, लिटरली इन 5 ईयर्स वी कैन बी ऑन द मून, हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे, will be the superpower of the world in 5 years, I guarantee you 5 years। मैंने कहीं पढ़ा
जी बिल्कुल, नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ये मेरा ख्याल है ये वीडियो भी पुरानी है उनकी, और इस 5 ईयर्स को भी गुजरे हुए पता नहीं कितने ईयर्स हो गए तो। लेकिन जैदा भी सबसे ज्यादा तो मुझे वो एंकर एक्साइटेड लग रही थी कि वाकई में हम अगले 5 साल में जो है पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान से होंगे, इसके लिए ये ज्यादा सही है। जी बिल्कुल, और यही बात है कि गजब खोपड़ी, क्या बात की है जैद आमिर साहब ने कि मैं तो मतलब हैरान ही हूँ। लेकिन साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि बिल्कुल जी, हम 100 साल चाहते हैं कि 100 साल हमारा लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो भारत के साथ, और हम अच्छे टर्म्स रखना चाहते हैं, हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, इस बारे में भी बात की है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके होते हुए ये सब चीजें जो है पॉसिबल नहीं लग रही, तो वो इंतजार करेंगे किसी ऐसी गवर्नमेंट के आने का जो उनका फोन उठा ले। फोन उठा ले? हाँ, वो असल में मोदी जी फोन नहीं उठाते ना, मतलब मोदी जी फोन ही नहीं उठाते। मोदी जी फोन उठाएंगे तो बात करेंगे ना, तो खान साहब बताएं कैसे कि जी हम तो अगले 100 साल आपसे लड़ने नहीं वाले, वरना तो पता है ना मोदी जी कितना घबराते हैं, कह रहे कि पाकिस्तान अटैक ही ना कर दे। तो बिल्कुल, क्योंकि वो फोन ही नहीं उठा रहे तो इसलिए खान साहब उनको ये मैसेज नहीं दे पा रहे कि जी मेरा तो अगले 100 साल झगड़ा करने का कोई इरादा ही कोई नहीं है। लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि शायद आप लोगों में से कोई मोदी जी को बता दे तो वो खान साहब का फोन उठा लें, तो अगर नहीं उठाएंगे तो फिर खान साहब को इंतजार करना पड़ेगा, और फिर जाहिर है जब कोई अगली गवर्नमेंट आएगी या कोई और प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो कम से कम फोन तो उठा ले यार। आप लोगों में इतनी सी भी कर्टेसी नहीं है कि कोई इंसान फोन कर रहा है तो फोन नहीं उठाते। ठीक है, उठा के बंद कर दें, लेकिन उठाएं तो सही फोन। तो बहरहाल खान साहब ने कहा कि जब फोन उठाएंगे तो फिर मैं आगे से ना उनको बताऊंगा कि जी मेरा तो झगड़े का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। लेकिन अगर ना माने तो फिर क्या होगा? फिर ऐसे ही होगा जैसे टीवी डिबेट्स में होता ही। जी, फिर इसी तरीके से मिसाइल और दूसरी चीजें लेकर हम एक दूसरे के पीछे इंटरनेट पे पड़े रहेंगे, और मुझे लगता है कुछ इसी किस्म की जंग होगी। लेकिन ये जंग फिर बेटर है क्योंकि कम से कम ग्राउंड पे तो नहीं हो रही ना, लेकिन इस तरह के लोग भी मौजूद हैं, तो फिर अच्छी बात है कि अगर हम 100 साल सोच रहे, चाहे उसका कोई भी रीजन हमारे इंडियन फ्रेंड्स दें अपनी वीडियोस में अपने शोज में कि जी पैसे नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, भरोसा नहीं है, तो भरोसा तो ऑफकोर्स भरोसा तो किसी को किसी के ऊपर भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोशिश है, और अगर कोई कोशिश कर रहा है कि टर्म्स बेहतर हों और लड़ाई झगड़ा ना हो तो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करने में क्या आ रहा है ना। ऐसा हम कौन से भागे जा रहे हैं, नेबर भी तो साथ ही में तो रहते हैं, आपके पड़ोसी हैं। अगर फिर कोई ऐसी ऐसी हरकत हो तो आप भी आ जाइएगा अपने घोड़े वोड़े लेकर, या घोड़े पे नहीं होना आजकल तो जंगे और तरह से होती हैं, तो खैर वो कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर एक तरफ से अच्छी पहल हो रही है, चाहे उसका जो मर्जी रीजन हो, उसको वेलकम कीजिए, और हम दुआई कर सकते हैं कि आगे दोनों मुल्कों में जो है वो टर्म्स अच्छे हों और ट्रेड भी शुरू हो और सारी चीजें एकदम परफेक्टली चले। खैर, हम आपको काफी दिन हो गए जी मुल्ला एंड साइंस ने दिखाया, तो आज फिर एक दो वीडियोस मिली है मुल्ला की, तो हम दिखाते हैं मुल्ला साहब क्या कह रहे हैं। वॉइस को फैसिलिटेट करने के लिए दावत इस्लामी ने, अभी ये मशीन जो पैसे देती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है, वो मशीन जो पैसे लेती है, आप चंदा देने के लिए उधर नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप नोट मशीन में डालें, मशीन आपको रसीद दे देगी, थैंक यू वेरी मच दावत इस्लामी को चंदा देने का शुक्रिया, बंदा रखने की लोड़ ही कोनी, मशीन रखी रखो बस, सुबह दोपहर शाम वो मुख्तलिफ स्टोर्स पर मुख्तलिफ बस स्टॉपों पर मुख्तलिफ जगहों पर मशीनें रखी होंगी, आप जाके नोट डालें, रसीद आपको देगी, थैंक यू वेरी मच, वो ऑटोमेटिक दावत इस्लामी के पास आ जाएगा किस मशीन में कितना चंदा है। हम कैश मशीन पर काम कर रहे हैं इस वक्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, बिल्कुल। एक तो ये यूरोपियंस को, काफिरों को, या अंग्रेजों को, या अमेरिकन को, या किसी को भी कोई मतलब ख्याल ही नहीं है किस किस तरह की मशीनें निकाल दी हैं। तो बिल्कुल, जब तक इस तरह के जो मदरसे हैं, जो दावत इस्लामी और इस तरह के दूसरे जो इदारे हैं, जब तक इनकी फंडिंग बंद नहीं होगी, जब तक इनकी डोनेशन बंद नहीं होगी, इनको पैसे देना नहीं छोड़ेंगे, तब तक यहाँ पे ऐसे ही हालात रहेंगे जैसे अभी चल रहे हैं, और जिस तरह की बातें होती हैं आप सभी लोग जानते हैं,
किस तरह से मदरसों में क्या कुछ होता है और किस किस्म के गलत काम बच्चों को सिखाए जाते हैं, बच्चों के साथ किए जाते हैं और जिहाद 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 करके उनको गलत रास्ते पे ले जाया जाता है, दूसरों से नफरत सिखाई जाती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ी सी अकल से काम लीजिए। और अब तो ये लोग इस पे उतर आए हैं कि इन्होंने एटीएम मशीन जो है वो फिक्स कर ली है अपनी और उसके जरिए ये पैसे ले रहे हैं, तो इनकी फंडिंग को रोकिए, वरना पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह की चीजों पे रोक लगाए, वरना फिर वही होगा कि यहाँ से फंडिंग ले लेकर और फिर जिहादी तैयार करके, या कहना चाहिए कि किस तरह के लोगों को तैयार करके कभी इधर भेजेंगे कभी उधर भेजेंगे। तो जो प्लान आप लोग बना रहे हैं वो 100 साल, वो आपका 1 साल भी नहीं चलने वाला। तो इसलिए सबसे पहले इस तरह के लोगों को रोकना होगा, इनकी फंडिंग बंद करनी होगी और देखना होगा कि इनको किस तरह से ज्यादा इनको कंट्रोल किया जाए, इनको रोका जाए। एक वीडियो और देखते हैं। हजरत मैं क्या क्या सुनाऊंगा, मैं इंडिया में गया हूं, मैंने शामली का मैदान देखा, मौलाना कासिम नानोतवी अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, यहां गोली लगी, हजरत ने हाथ रखा नीचे बैठ गए, मौलाना गंगोही दौड़ते हुए आए, हजरत क्या हो गया, गोली लगी है, बैठे बैठे हजरत गंगोही ने 3 मरतबा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ा, हजरत हाथ उठाइए, हजरत ने हाथ उठाया, फट तो दरकिनार, खराश भी नजर नहीं आ रही। जी ये भी वही था, कुछ भी और कुछ भी, तो बिल्कुल यही कुछ भी जो था वो मौलाना साहब बता रहे थे। और उसके बाद कहते हैं कि जी सवाल मत कीजिए, किसी से कोई आप बात पूछ नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते, सवाल करने की इजाजत नहीं है, और इसी किस्म की लंबी लंबी अजीब अजीब बातें जो है वो हम सुनते हैं अक्सर, हमारे यहाँ के जो मौलवी हैं उस किस्म की बातें करते हैं, और अगर हम कोई सवाल करें तो उनको बहुत बुरा लगता है।